देखिए शुभ शगुन सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। इन्होंने कहा था नौकरी मांगी और आपने उसको दे दी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भाई बिकाऊ है। युग और नव्या की शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। चेंज ऑफ प्लान, पार्टी में शुभ को नहीं युग को मानना है। अरे कांड होने के बाद किसका नाम लेना है जानते हो ना तुम? गुड। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, मुझे फंसाने की कोशिश करता है। मुझे बचा लो, मुझे जितना आ गया तो मैंने उतना ही। झूठ बोल रहा है ये। नहीं मैडम, मैं साफ से पता चल जाएगा। तुम सच सच बताओ, किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे? बोलो। मैडम, इतनी सी बात है कि गोली मैंने पहले इन पे ही चलाई थी, क्योंकि इनके खिलाफ धंधा करने वालों ने मुझे पैसे दिए थे। तब ये बच गए थे, जिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं इनके पास माफी मांगने गया। मजबूर था ना मैडम, पैसे नहीं थे मेरे पास। इन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और आपके भाई पर गोली चलाने के लिए इन्होंने कहा। और इतना ही नहीं मैडम, अगर मैं इनका काम नहीं करता तो ये मुझे पुलिस के हवाले कर देते, मैं क्या करता? झूठ बोलता है। किसने बोला तुझे ये सब झूठ बोलने का? किसने पढ़ाई तुझे ये कहानी? बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो मेरे पास ये टारगेट की फोटो कहाँ से आ गई? देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो मैडम। युग बैठ बैठ वहां पे, चैन नहीं है तुझे? कितनी बार बोला आराम कर, कहाँ लगी दिखा? पागल है तू एकदम। ढंग से क्या हुआ योग? तो ठीक है ना? कुछ नहीं, ठीक। गिर के काकू आप क्यों रो रहे हैं? योग ठीक है? हाँ काकू। योग योग तू वो नौकरी छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है तुझे वहां चुप सर के वहां नौकरी करने की। काकू फिर पैसे कहां से आएंगे? पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगी। योग मैं इधर देख, पापा ने आज तक हमारे लिए सब कुछ किया है ना, तो आगे भी करेंगे। पापा ना हर चीज का हिसाब रखते हैं और शुभ सर ने जो भी किया है ना उनकी सजा उन्हें जरूर देंगे। तू बस उस परिवार से खासकर उस नव्या से दूर रहना। उनके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तू है। थैंक यू सो मच भैया मेरी जान बचाने के लिए। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, वो कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेरी और आपकी दोनों की जान बचाने आया हूँ। आपने जो कहा ना वो कर दिया ना मैडम। मैंने क्या कहा था मैडम? यही कि आपने अपने भाई को गोली मारने के लिए बोला था ना मैडम, भूल गई क्या आप? क्या? हाँ मैडम। आप पागल हो गए क्या? मैं अपने भाई पे हमला क्यों करवाऊंगी? मैंने कुछ नहीं कहा है आपसे ऐसा। क्या मैडम, जान के अनजान मत बनो, अपना गुनाह कबूल करो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ये देखो देखो बम लगा है यहाँ। हमारी भी जान खतरे में है। ये क्यों कर रहे हो ये सब आप? मैंने कुछ नहीं किया। ये बॉम्ब, मैडम मैडम फोन उठाइए, देखिए हो सकता है हेल्प के लिए कॉल आया हो। हाँ आप उठाइए उठाइए उठाइए।
आपने ये सब कहानी का एंड क्लाइमेक्स। अरे निव्या तुम प्लीज हैव अ सीट। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज बोलो ना। मैं जानती हूँ मैं सिर्फ किसी की बात नहीं सुनती, पर मैं क्या करूँ? मेरे भैया ने मुझे नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने आज तक, पर इसका मतलब ये नहीं है युग कि मैं खराब लड़की हूँ। मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अपनी ताई को समझाओ, और इसीलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर इसलिए क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए युग। नव्या ऐसी कोई बात नहीं। उप्स सॉरी, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम काम पे फोकस करो, छोड़ो ये सब बातें, मैं तो बस यूं ही। नव्या Are you okay? Let's... Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। नव्या ठीक तो नहीं हो। बस यूं ही चक्कर आ गया यो। चक्कर आ गए? नव्या ऐसे चक्कर नहीं आता है। एक्चुअली मैंने कुछ खाया नहीं था। क्या? खाना नहीं खाया? नव्या ये सही नहीं है। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था यो। मैं जूस लेकर आता हूँ। क्योंकि नव्या का मन तुम पर आ गया है और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। शुक्रिया, इतने कम समय में आप मिलने के लिए तैयार हो गए। अरे नहीं नहीं, आपका फोन आया तो हमें भी खुशी हुई। आपके पति आ रहे हैं ना, वो अशोक के पापा का देहांत हो गया है। अशोक किधर है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो आपका लड़का नहीं दिखाई दे रहा? युग ऑफिस में है, पर हमें रिया बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी कि अगर आप लोग घर आ जाएं तो युग और रिया मिल लेंगे, और आप भी पूरे परिवार से मिलेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। युग की शादी? शुभ शुभ बस कर दे। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। सच तो ये है मिस शगुन कि तुमसे घटिया बहन मैंने आज तक नहीं देखी। तो अपनी भाई की शादी करवाने के लिए अपनी शादी का ढोंग रच रही है। पहली बात तो ये कि आप मेरी सच्चाई जानते नहीं हैं, और ना ही उसे समझने की समझ है आप में। और दूसरी बात ये, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा कि मैं आपके अप्रूवल का इंतजार नहीं कर रही। मैं जानती हूँ मैं अपने भाई के लिए क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ, और ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। शादी में आइएगा जरूर। शुभ ये क्या कर रहा है बच्चा? ये कार्ड जलाना अपशगुन होता है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नव्या अपशगुन तो बुआ हो चुका है। अपशगुन तो तभी हो गया था जब युग की शादी तय हुई थी। मैंने ये सब अपने भाई को आप लोगों से बचाने के लिए किया है। शादी तो होके रहेगी,